नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आप सभी को मेरी तरफ से योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया, जो 21 जून को पूरे विश्व भर में मनाया गया था। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद योग के फ़ायदे के बारे में जागरूकता फैलाना और प्रेरित करना है। तो आइए जानते हैं योग दिवस के इतिहास के बारे में, महत्व के बारे में और इस साल के थीम के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 8वां साल है। भारत के साथ साथ योग की ताकत को अब पूरी दुनिया मान रही है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है, इसीलिए 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्लान किया गया होगा। पहली बार ये दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था, जिसकी पहल भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में की थी। तो मैं आपको यहाँ पर उनकी वो स्पीच सुनाता हूँ जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कही थी। हम होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात करते हैं। We talk about holistic health care. हम प्रकृति के साथ जुड़ने की बात करते हैं। Connecting with nature. जब बैक टू बेसिक की बात करते हैं। And when we talk about back to basics. तब मैं at that time, उस विषय पर आज विशेष रूप से आपसे today I would like to talk about it specifically. हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। Is a invaluable contribution मन of our व शरीर country, of our विचार व कर्म योग संयम हार्ट और उपलब्धि की आइडियोलॉजी एकात्मता का एक्शन तथा मानव एवरीथिंग व प्रकृति के बीच ऑफ आर सामंजस्य का एंड इन ऑर्डर मूर्त रूप है। इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी हैव ए कोऑर्डिनेशन व कल्याण का ऑल दीज समग्र दृष्टिकोण है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव एवं केवल व्यायाम भर न होकर योग अपने आप से जस्ट एन एक्सरसाइज तथा विश्व बट व प्रकृति के साथ इट शुड बी तादात्म्य को प्राप्त करने का ए मीन माध्यम है। टू ये हमारी जीवन शैली में वर्ल्ड एंड परिवर्तन लाकर एंड इन तथा हम में ए चेंज जागरूकता लाइफ स्टाइल उत्पन्न करके एंड क्रिएट अवेयरनेस जलवायु परिवर्तन से लड़ने में इट कैन सहायक हो सकता है। इन आइए फाइटिंग एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में एंड कार्य करें टूवर्ड्स। तो ये थी महासभा में हमारे प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच। फिर अब जानते हैं कि कैसे हुई थी योग दिवस की शुरुआत। भारत में योग का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। सन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसकी पहल की थी, जो आपने अभी वीडियो देखी। फिर 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत से पारित भी किया। 193 सदस्य देशों में से 177 सदस्य देशों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। अब जानते हैं इंटरनेशनल योगा डे 2022 की थीम के बारे में, कि इस बार की थीम क्या है और इसे क्यों थीम के रूप में लिया गया है। तो पूरी दुनिया में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के दिन इस थीम को, जो थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, रखी गई है, यानी कि मानवता के लिए योग। इस साल योग दिवस की थीम दुनिया पर कोरोना के असर को देखते हुए रखी गई। कोरोना महामारी ने न सिर्फ शरीर पर बल्कि मानसिक हेल्थ पर भी असर डाला है। कोरोना के चलते लोगों को चिंता, अवसाद जैसी मनोवैज्ञानिक और मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है, जो कि इस समय मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए मानवता के लिए योग का सहारा लिया गया है, इसीलिए योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम रखी गई है इस बार की। कल योग दिवस पर भारत के बहुत सारे रिकॉर्ड भी कायम हुए हैं, जिसमें करीब 35,000 से ज़्यादा लोगों ने दिल्ली के राजपथ पर योगासन किया। खास बात यह रही कि इनमें 84 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल थे और 21 योगासनों का अभ्यास भी किया गया। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड था। भारत में योग दिवस पर हुए इतने बड़े आयोजन को लेकर दो रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज भी किए गए, जिनमें पहला रिकॉर्ड था 35,985 लोगों का साथ में योगा करना और दूसरा रिकॉर्ड था 84 देशों के प्रतिनिधियों का एक साथ समारोह में हिस्सा लेना। तो मैं आपको एक और वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिखाता हूँ, जो इस बार के हुए इंटरनेशनल योगा डे पर उन्होंने स्पीच दी और उन्होंने क्या देश को संबोधित करके बोला, इसे आप देखिए। देश
और विश्व भर के सभी लोगों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज योग दिवस के अवसर पर मैं कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी, अध्यात्म और योग की धरती मैसूरू को प्रणाम करता हूं। मैसूरू जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक सहज, स्वाभाविक और सांझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं, खास तौर पर तब जब दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया हो। इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी, सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। साथियों, योग के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगेन विंदति। इट मीन्स योगा ब्रिंग पीस फॉर अस। द पीस फ्रॉम योगा इज नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल्स, योगा ब्रिंग्स पीस टू अवर सोसाइटी, योगा ब्रिंग पीस टू अवर नेशंस एंड द वर्ल्ड, एंड योगा ब्रिंग्स पीस टू अवर यूनिवर्स। दिस माइट फील एन एक्सट्रीम थॉट टू समवन, बट अवर इंडियन सेजेस हैव आंसर्ड दिस विद अ सिंपल मंत्र, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। दिस होल यूनिवर्स स्टार्ट फ्रॉम अवर ओन बॉडी एंड सॉल, द यूनिवर्स स्टार्ट फ्रॉम अस, एंड योगा मेक्स अस कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग विद इन अस एंड बिल्ड्स अ सेंस ऑफ अवेयरनेस। इट स्टार्ट विद सेल्फ अवेयरनेस एंड प्रोसीड्स टू अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड। व्हेन वी बिकम अवेयर ऑफ अवर सेल्स एंड अवर वर्ल्ड, we begin to spot things that need to be changed both in ourselves and in the world. These may be individual lifestyle problem or global challenges like climate change and international conflicts. Yoga makes us conscious, competent and
compassionate towards these challenges. Millions of people with a common consciousness and consensus, millions of people with inner peace will create an environment of global peace. That's how yoga can connect the people. That's how yoga can connect the countries. And that's how yoga can become a problem solver for all of us. साथियों भारत में हम इस बार योगा दिवस हम एक ऐसे समय पर मना रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। योग दिवस की ये व्यापकता, ये स्वीकार्यता भारत की उस अमृत भावना की स्वीकार्यता है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी थी। इसी भावना को सेलिब्रेट करने के लिए आज देश के 75 अलग अलग शहरों के 75 ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही अन्य नगरों के लोग भी ऐतिहासिक स्थानों पर योग कर रहे हैं। जो ऐतिहासिक स्थान भारत के इतिहास के साक्षी रहे, जो स्थान सांस्कृतिक ऊर्जा के केंद्र रहे, वो आज योग दिवस के जरिए एक साथ जुड़ रहे हैं। इस मैसूरू पैलेस का भी इतिहास में अपना एक विशेष स्थान है। भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग का अनुभव भारत के अतीत को, भारत की विविधता को और भारत के विस्तार को एक सूत्र में पिरोने जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने इस बार गार्डियन रिंग ऑफ योगा, ये गार्डियन रिंग ऑफ योगा का ऐसा ही अभिनव प्रयोग आज पूरे विश्व भर में हो रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ, सूर्य की गति के साथ लोग योग कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। तो ये थी पूरी इंटरनेशनल योगा डे के बारे में और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा इसके बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।